अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाना सिखाएंगे आपको ब्रिंजल्स यानी बैंगन। जिन लोगों को ब्रिंजल्स पसंद नहीं है वो इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही मज़ेदार ब्रिंजल्स आपके तैयार हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी रेसिपी है। सबसे पहले आपने प्याज को फ्राई करना है यानी अनियंस को, गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें हम फ्राई करेंगे। जब तक प्याज फ्राई हो रहा है तब तक टमाटर में सारे मसाले हम ऐड कर लेते हैं। ड्राई करियंडर ऐड किया है, खुश्क धनिया 2 टेबल स्पून, और हमने ऐड किया है हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, और अब इसमें जाएगा साल्ट 1 टेबल स्पून या हस्ब ज़रूरत, रेड चिली 1/2 टेबल स्पून, और इस टमाटर को अब हमने प्याज में ऐड कर दिया और मिक्स किया है। और इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं ताकि मसाला अच्छे से गल जाए। इसको कवर कर दें ताकि अच्छे से गल जाए। मसाला ऐसे ही है जैसे हमारा सिंपल हंडी का मसाला होता है, बट इसका टेस्ट रियली बहुत डिफरेंट होता है। ये देख सकते हैं आप, मसाला बन के रेडी हो चुका है। इसमें अब हम लोग ऐड करेंगे फ्राई किए हुए पोटैटोज यानी आलू, और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे ब्रिंजल्स फ्राई किए हुए। इसकी जो मेन बात है वो यही है कि ये ब्रिंजल्स फ्राई करके ऐड होते हैं जिससे इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये मैंने स्लाइसेस में करके ब्रिंजल्स को पहले फ्राई किया था, सिंपल जैसे पोटैटोस को फ्राई करते हैं। अब इसको इसमें ऐड किया और देख लें, देखने में भी बहुत यम्मी लग रहे हैं ये। अब इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए और भूनना है थोड़ी देर इसको। और ये देख सकते हैं आप कितने मज़े के लग रहे हैं। इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से भून लेंगे और फिर इसको हम करेंगे डिश आउट। ये हमारे टेस्टी ब्रिंजल्स बन के रेडी हो चुके हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।